हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज शिव शक्ति का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, शिव शक्ति की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज हैं शिव शक्ति की। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही कार्ड द मून का आया है। तो आपके सबसे पहला तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ये आपके किसी भी एरिया में हो सकते हैं, आपकी फैमिली में, आपकी पर्सनल लाइफ में। ओके, जो आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन एक टावर मोमेंट टाइप का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उन लोगों को पहचानने की ज़रूरत है और साथ में यहाँ पे आपके कुछ पास्ट लाइफ के भी कर्मास जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। और आपके हो सकता है कुछ ऐसे बैड कर्मास थे जो यहाँ पे अब जो है उनका आपको कर्मा मिल सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा होगा जो किसी भी रूप में मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, शिव शक्ति यहाँ पे आपके साथ हैं और ये कर्मा रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पे आपको आगे आने वाली लाइफ में यहाँ पे जो आपकी विश है, जो भी ड्रीम है वो आप फुलफ़िल कर पाएँ, ठीक है। उसके लिए जो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो यहाँ पर दी जा रही है और साथ में आप यहाँ पर अपना प्रोटेक्शन भी लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर आपको अगेन एंड अगेन जो है डीमोटिवेट तो कर ही रहे हैं या कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपको यहाँ पे डिफेम करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से यहाँ पे आपको बचने की ज़रूरत है, ऐसा शिव शक्ति यहाँ पे आपको कहना चाहते हैं। ओके, आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन की बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्ट्रेंथ की बात हो रही थी तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपको यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस सिचुएशन से, इन लोगों से डील करने के लिए, इन परिस्थितियों से डील करने के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ दी जा रही है। और मैंने देखिए अभी 222 भी देखा है, तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको शिव शक्ति ऐसी सिचुएशन, हर सिचुएशन में आप इस वक्त जो भी परिस्थिति में हैं, जो भी परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं, ठीक है, ये किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी लाइफ के किसी भी सिचुएशन में हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक तो कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ये 8 नंबर का कार्ड है और वो कर्मा रिलीज़ होने के लिए जो आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो स्ट्रेंथ यहाँ पे शिव शक्ति आपको दे रहे हैं। और साथ में ये जो है मुझे माँ दुर्गा का भी यहाँ पे ये जो है कार्ड जो है वो फीलिंग आ रही है माँ दुर्गा की। तो यहाँ पे आप माँ पार्वती, माँ दुर्गा, शिव शक्ति की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं। तो और ये जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, अगर आपने इसमें किसी भी तरीके से जो आपने नाम जप साधना आराधना की है या आपने कोई अनुष्ठान लिया है, कोई संकल्प लेके आप कुछ कर रहे हैं तो वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है, वो संकल्प यहाँ पे आपका पूरा है, शिव हो रहा है, शिव शक्ति यहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। साथ में आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन थी, जो इनकम्प्लीट थी, जो काफ़ी लंबे समय से आप कर रहे थे लेकिन पूरी नहीं हो पा रही थी, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ओके, और साथ में यहाँ पे आपकी डिविनिटी, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है, शिव शक्ति के आशीर्वाद से यहाँ पे आपको इतनी स्ट्रेंथ दी जा रही है कि आप जिस तरीके से ये लेडी है, इसने शेर के मुंह में इसके जबड़ों में जो जिस तरीके से हाथ दिया हुआ है, इसी तरीके की ज़बरदस्त स्ट्रेंथ में यहाँ पे आपको लेकर आ रहे हैं ताकि आप आने वाली सिचुएशंस को, आने वाले परिस्थितियों से हमेशा सामना कर सके उनका। और देखिए यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ के बाद यहाँ पे सन का कार्ड आना, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। और ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपकी अवेकनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और अगर आप यहाँ पे आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन की भी यहाँ पे अवेकनिंग कंप्लीशन की तरफ जा रही है। ओके, ऑलमोस्ट कुछ व्यूअर्स के काउंटर पार्ट की जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और कुछ व्यूअर्स के यहाँ पे कंप्लीशन की तरफ जा रही है और एक नई शुरुआत यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रही है। आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं यहाँ पे आपके जीवन में एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे हो रही है, लेकिन आपको उसके लिए कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज को
बैलेंस करना है। इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो कंटिन्यूसली रीडिंग्स में आ रही है वो यही है कि आपको अपनी एनर्जीज को इस वक्त बैलेंस में रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है और अपना फोकस अपने गोल पर रखना है। ठीक है, आपका जो फोकस जो है इस वक्त अपने गोल पर होना चाहिए, आपके हायर पर्पस पर होना चाहिए। और ये 10-10 है तो डेफिनेटली नई शुरुआत ज़रूर होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये नई शुरुआत होगी। और देखिए यहाँ पे ये जो सन और मून का कार्ड है यहाँ पे एक ग्रहण को भी शो करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये इस ग्रहण के बाद यहाँ पे आपके लाइफ में ये सूर्य उदय होने वाला है। तो ये ग्रहण जो है वो आपके लाइफ में जो एक फेस चल रहा है ना वो कुछ समय के लिए है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, जिस तरीके से ग्रहण आता है और फिर चला भी जाता है और उसके बाद फिर से सूर्य उदय होता है, ठीक है, वही यहाँ पे कंप्लीट सूर्य उदय सनलाइट सन की तरह ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, जो एक कंप्लीशन का भी फेज मुझे फील हो रहा है। एक कंप्लीशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जिस भी पर्पस से आप इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पे एक फेज जो है यहाँ पे कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ट्स, आपको यहाँ पे शिव शक्ति जो है एक ऐसी एक्शन की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं जो अभी तक आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आपका अंदर कोई फियर था, कोई डर की एनर्जी थी जहाँ पर आप किसी एक्शन को लेने से डर रहे थे, तो वो एक्शन यहाँ पे आप ले पाएंगे। और साथ में अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपके पर जब आप यहाँ पे एक्शन लेने की एनर्जी में आते हैं तो यहाँ पे मिररिंग होती है और आपके पर्सन भी एक्शन लेने की एनर्जी में डेफिनेटली आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपके अंदर तो कोई ऐसा फियर नहीं है, आपके अंदर तो कोई इस तरीके की एनर्जी या आपका शेडो साइड नहीं है, उसे आप रिलीज़ कीजिए। और आप इस वक्त अगर आप एंगर से डील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आप फील कर रहे हैं, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है क्योंकि वहाँ पर भी यही एनर्जी है और वो आप मिररिंग कर रहे हैं। ओके, उनकी लाइफ में कुछ एक ऐसा तूफान सा आया हुआ है इस तरीके का आप कह सकते हैं, जिससे वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं और जो स्ट्रेंथ उनको चाहिए वो स्ट्रेंथ यहाँ पे यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अब जो है आपकी जर्नी कंप्लीशन की तरफ जा रही है और ये कंप्लीशन तभी होगा जब आप यहाँ पे दोनों यूनाइट होंगे। ओके, तो डेफिनेटली आपके रीयूनियन के लिए ही आपके पर्सन को रेडी किया जा रहा है ताकि वो एक्शन ले सके। और उसके लिए यहाँ पे आपको भी आपके अंदर देखना होगा कि आपके अंदर कोई ऐसा इशू ना हो जो आपको रोक रहा हो एक्शन लेने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे और आपके पर्सन यहाँ पे एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, रेडी हो रहे हैं। और आपको भी ये कहा जा रहा है कि अपना प्रोटेक्शन लेके रखें और प्रोटेक्शन के साथ में यहाँ पे आप अब आपको एक्शन लेने के लिए रेडी रहना है। ठीक है, अब आप अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, अभी तक आप सिर्फ वेटिंग एनर्जी में ही रहे हैं, अभी तक आप सिर्फ यहाँ पे अपने ऊपर काम करते रहे हैं, अपने एनर्जीज पर वर्क किया है, आपने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है, लेकिन अब यहाँ पे आपको एक्शन लेने की एनर्जी के लिए रेडी किया जा रहा है। जो भी सिचुएशंस इस वक्त हैं वो आपको आगे आने वाले समय में एक्शन लेने के लिए रेडी किया जा रहा है। आपके जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका हायर पर्पस है, यूनिवर्स आपको उसकी तरफ ही लेकर जा रहे हैं। ओके, और उसके लिए आपको जो भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो स्ट्रेंथ यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पे आपको आपके पर्सन को जिस तरीके की भी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और देखिए उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक यहाँ पे बहुत स्लो मूवमेंट रहा है और कुछ नेगेटिविटी भी आपको आपके पर्सन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती रही है, लेकिन आपने कुछ यहाँ पे प्रोटेक्शन लिया है, आपके पर्सन को प्रोटेक्शन दिया है, जो आप दे रहे हैं प्रोटेक्शन वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, हालांकि नेगेटिविटी है अभी भी, लेकिन यहाँ पे अब आपके इस कनेक्शन को कोई भी नेगेटिविटी किसी भी तरीके से मैनिपुलेट इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। कोई ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे शिव शक्ति के ब्लेसिंग्स के वजह से यहाँ पे आपका कनेक्शन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। फिर भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देते ही रहना है। ओके, और उसके बाद देखिए दो कार्ड्स यूनिवर्स ने मुझे एक साथ दिए हैं, शिव शक्ति देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे शिव शक्ति यहाँ पे आपके कनेक्शन में एक डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ पे ज़बरदस्त डिवाइन इंटरवेंशन मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत सारी कार्मिक एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पे बहुत कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसे ब्लैक रिचुअल्स कर रहे हैं। आप दोनों को ही सेपरेट करने के लिए, आप दोनों को ही मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप दोनों को एक दूसरे के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक है, आप चाहे किसी भी तरीके से आपको दूसरी उलझनों में उलझाया जा रहा है ताकि आप अपने कनेक्शन से फोकस हटा सकें।
यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे शिव शक्ति आपको इस एनर्जी से और आपके पर्सन को इन एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कर रहे हैं, करने वाले हैं, और जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे पूरी तरीके से यहाँ पे शिव शक्ति डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके साथ में ये क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पे देखिए आपके पर्सन जो हैं, यहाँ पे आप जिस भी एनर्जी में हैं, आप अगर शिव शक्ति के एनर्जी में हैं, सॉरी शिव शक्ति की जर्नी में हैं, और आप यहाँ पे डीएफ एनर्जी में हैं, ठीक है, जेंडर वाइज नहीं, आप यहाँ पे एनर्जी वाइज देखिएगा, अगर आप यहाँ पे डीएफ एनर्जी में हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन देखिए कम्प्लीटली आपके लिए रेडी किए जा रहे हैं। उनका फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप पर है, इस डिवाइन जर्नी पर है, इस कनेक्शन पर है, और इस कनेक्शन को समझने पर है कि हालांकि उनकी लाइफ में हर तरह की फुलफिलमेंट है, हर तरह के कम्प्लीशंस हैं, हर तरह की ड्रीम्स उनके फुलफिल हुए हैं, बट यहाँ पे अब आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपको, आपके साथ कम्प्लीशन चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं, हर तरह की खुशियाँ वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ चाहते हैं। और इसके लिए यहाँ पे देखिए शिव शक्ति जो है उन्हें कम्प्लीटली गाइड कर रहे हैं। ये अब जो यहाँ पे आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, यहाँ पे शिव शक्ति जो आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन करेंगे, वो यहाँ पे ऐसा होगा कि अब आपके पर्सन अब वापस मुड़कर नहीं देखेंगे किसी भी थर्ड पार्टी या कार्मिक एनर्जी की तरफ। और उसके लिए यहाँ पे आपको भी रेडी किया जा रहा है और आपके पर्सन को भी रेडी किया जा रहा है, ताकि इस एनर्जी के लिए आप एक्सेप्टेंस मोड में आए। ठीक है, यहाँ पे एक्शन आपको भी लेना है और एक्शन आपके पर्सन को भी लेना है, या फिर आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पर आपको जिस भी तरीके की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ठीक है, आपने अभी तक बहुत सारी प्लानिंग की है, बहुत सारी चीज़ें आपने सोची हैं, समझी हैं, करने की ड्रीम्स देखे हैं, लेकिन सिर्फ ड्रीम्स तक ही देखे हैं, आपने अपने पर काम भी किया है लेकिन एक्शन नहीं लिया है, तो यहाँ पे अब आपको एक्शन लेना होगा। यही एक्शन की एनर्जी यहाँ पे आज आई है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक्शन क्या होगा, यहाँ पे जस्टिस, तो शिव शक्ति आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आ रहे हैं, और ये जस्टिस यहाँ पे आपकी लाइफ के जिस भी एरिया में, आप यहाँ पे जिस भी पर्पस से आप इस रीडिंग में आए हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, और साथ में यहाँ पे आपके पर्सन और आप दोनों ही इक्वल, एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, इक्वल पेज पर आ रहे हैं आप। और जब इक्वल पेज पर आते हैं तभी यहाँ पे आप यूनियन की तरफ बढ़ते हैं, यूनाइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको भी ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड में अब बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, कि आप ऑलरेडी बना रहे हैं और इसे ही मेंटेन करने की ज़रूरत है। जो एनर्जीज में आप इस वक्त हैं, जिस वजह से आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं, मींस जो आप बैलेंस एनर्जी में हैं, जो भी व्यूअर्स इस वक्त बैलेंस्ड एनर्जीज में हैं, ठीक है, या तो अभी हैं या आने वाले हैं, उनके पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली जस्टिस आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जिस भी रीज़न से यहाँ पे इस रीडिंग में आए हैं, शिव शक्ति आपकी लाइफ में न्याय लेकर आ रहे हैं, जस्टिस लेकर आ रहे हैं, साथ में कोई नई शुरुआत, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है। ये करियर वाइज भी मुझे फील हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में शिव शक्ति लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे शिव शक्ति अब आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, आपकी जर्नी में, आपके कनेक्शन में लेकर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, नई शुरुआत आपकी, किसी न किसी तरीके से शिव शक्ति यहाँ पे नई शुरुआत ज़रूर करेंगे, कॉल मैसेज अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। बट आपको उसमें डेस्परेट नहीं होना है, आपको अपना वर्क करते रहना है, आपको ये नहीं सोचना है कि कब आएंगे, कैसे होगा। ठीक है, रीडिंग देखते ही आप बहुत ज़्यादा डेस्परेशन की एनर्जी में नहीं आना है, ये बात आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स, ये थी शिव शक्ति की बहुत ही प्यारे रीडिंग, बहुत ही प्यारे मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट होती है तो भी बताइएगा। और तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, जय शिव शक्ति, राधे राधे।